हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हम कोई आईटी इंजीनियर्स नहीं है। तो ये जो हर रोज जो अग्नि परीक्षा हमें देनी पड़ रही है ना, कि ऐप, यूट्यूब यूट्यूब ऐप, इस अग्नि परीक्षा ने पूरा पानी निकाल लिया है। हे भगवान, कि मुझे ये भी नहीं समझ रहा है कि मैं दिख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं, ये भी मुझे नहीं समझ रहा है। आप लोग मुझे देख सकते हो कि नहीं, ये भी नहीं मुझे समझ रहा है। क्या आप मुझे देख सकते हो? ये भी मुझे नहीं समझ रहा है। मैं कैसे चेक करूं कि आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं? लाइव 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 कोई सेशन है क्या? लाइव कोई सेशन चल रहा है? इंस्पायर के लाइव सेशन में कोई है? वन इंस्पायर लाइव लाइव लेक्चर, लाइव लेक्चर किसी का चल रहा है? इंस्पायर का लाइव लेक्चर? वन कॉन्करेंट व्यूवर दिख रहा है? आई डोंट नो, मैं इंस्पायर के चैनल पे हूँ, कोई ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। मैं अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। आई कैन सी बट कोई ज्वाइन क्यों नहीं हुआ? इंस्पायर के चैनल पे दिख नहीं रहा है क्या? अरे कुछ तो कमेंट करो, किसी का कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, ये स्टॉप वर्चुअल कैमरा, स्टॉप ये कैमरा क्या है भाई? ये दिख रहा है इंस्पायर का वन कॉन्करेंट व्यूवर दिख रहा है? मैं ही व्यूवर हूँ क्या? अरे मैं क्यों देख नहीं पा रहा हूँ भाई? कोई भी नहीं आ रहा है। कोई तो कुछ तो, अरे अच्छा ये प्राइवेट अनलिस्टेड में चला गया है। ओके, ये अनलिस्टेड में चला गया है। ये अनलिस्टेड नहीं करना है, ये पब्लिक करना है। देखो अब सब लोग देख पा रहे हैं शायद से। बोलो बोलो, क्या अब सब लोग देख पा रहे मुझे? इंस्पायर अकेडमी लाइव लेक्चर, हाँ कौन कर, आहिल का आया, जय माता दी, दुर्वेश आ गया, हर हर महादेव, मतलब यस 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 यस, मुझे भी दिख जाए, यस आई कैन ऑल्सो सी। ओके फाइनली 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 वी आर देयर। मैं आपको इतना ही कहता हूं दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी ने हमारा निचोड़ दिया है सब कुछ इस कोरोना के कठिन समय में, वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, वी आर नॉट आईटी एक्सपर्ट्स। तो ये ऐप के थ्रू, यूट्यूब में, यूट्यूब के थ्रू ऐप में, ये जो झंझट चल रहा है ना पिछले 3-4 दिनों से दोस्तों, ये और 1-2 दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वंस द थिंग्स गो स्मूथ, वंस द थिंग्स गो स्मूथ, उसके बाद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ दिनों तक थोड़ी ये आपको कठिनाई फेस करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बहुत ही जल्द हम लोग उस मुकाम पर पहुंच जाए जो हम चाहते हैं, बट अभी आज का सेशन न चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, यूट्यूब पर लेना पड़ रहा है। जो भी है, आई रिक्वेस्ट यू, यस ओम नमः शिवाय, जय भोले, बम बम भोले। दोस्तों
जितना भी समय अभी हमारे हाथ में लगभग 40 मिनट का, उस 40 मिनट के समय को पूरे से यूज़ करते और हमारा आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स का जो हमारा डिस्कशन था, उस डिस्कशन के तहत लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है एथिक्स का, जिसमें एथिक्स एंड बिजनेस हम कहते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट किया था। जनरली जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का सिनॉप्सिस मैं आपको दे रहा हूँ, और चैप्टर का सिनॉप्सिस मैंने देना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिनॉप्सिस में कुछ 7 पॉइंट्स लिखे थे। सिनॉप्सिस के जो 7 पॉइंट्स हमने लिखे थे, वो सेवन पॉइंट जो लिखे थे, कृष्णा है क्या इधर? कृष्णा आज के सेशन में कृष्णा है क्या? कृष्णा, अरे कृष्णा तुम हो क्या? यस प्रियंका, जय माता दी। सिनॉप्सिस में हमने 7 पॉइंट्स लिखे थे, जस्ट पूछ रहा हूं कृष्णा है क्या। ओके, शायद से कृष्णा नहीं है। हम लोगों ने जो 7 पॉइंट्स लिखे थे, इसमें फर्स्ट मीनिंग ऑफ एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टूडेज बिजनेस, जिसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ये पार्ट कल के सेशन में हमने ओरली डिस्कस किया था। 5 बॉटम लाइंस ऑफ फ्यूचर, जिसमें आपको 5 एथिकल स्टैंडर्ड्स मैंने बताए थे। जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है वही हमें 5 बॉटम लाइंस ऑफ फ्यूचर को पढ़ते वक्त काम में आने वाले। जो 5 एथिकल स्टैंडर्ड्स थे वो कौन से थे? बोलो 5 एथिकल स्टैंडर्ड्स कौन से थे? हमारे 5 एथिकल स्टैंडर्ड्स कौन से थे? द यूटिलिटेरियन अप्रोच, द राइट्स अप्रोच ऑल्सो नोन एज डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच, द फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच, द कॉमन गुड अप्रोच, और लास्ट में एंड द वर्च्यूज अप्रोच। ऐसे 5 स्टैंडर्ड्स थे। यस चिरंजीवी, जय माता दी। यस अहिल, यू आर राइट। यूटिलिटेरियन अप्रोच, द राइट्स अप्रोच, द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच, द कॉमन गुड अप्रोच एंड द वर्च्यू अप्रोच। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये हमने जस्ट मैंने कहा था, मैं जब डिस्कस करूंगा आपको पता चलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे याद रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। कोई मुझे बोलेगा सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है वहां पर, और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है वहां पर, दोनों में क्या फर्क होता है? सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है? कैन एनीवन कमेंट एंड टेल मी? सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है? यस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है? यस एनीवन, सेंट्रलाइज में पावर एक अथॉरिटी के पास होती है। ओके, सेंट्रलाइज में मैनेजमेंट कंट्रोल अथॉरिटी एक के पास ही होती है। ओके, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में जो भी डिसीजन होगा वो टॉप लेवल ही लेंगे। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में जो भी डिसीजन होगा वो टॉप लेवल लेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में हर लेवल पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स, मतलब सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर्स में एथिक्स का क्या रोल है वो स्टडी करना है वहां पे। करेक्ट, यू राइट। यस जिनी, यू राइट बेटा, टॉप लेवल जिज्ञासा, करेक्ट है बेटा। डिसेंट्रलाइज्ड में हायरार्की होता है, राइट। देन 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। मैंने आपको 4 एथिकल स्टैंडर्ड्स बताए, हम 4 एथिकल प्रिंसिपल स्टडी करने वाले हैं। और कल के सेशन में फिर मैंने आपको 7 पॉइंट जो लिख कर दिया था वो एथिकल डायलेमा का पॉइंट आपको लिख कर दिया था। उस एथिकल डायलेमा का मीनिंग कल हमने सिर्फ समझा था। एथिकल डायलेमा का जो पॉइंट आपने लिखा था उसी एथिकल डायलेमा के पॉइंट में नीचे इनर साइड में सब क्लॉज 1 लिखो, एथिकल डायलेमा का मीनिंग। एथिकल डायलेमा में हम क्या कहते हैं? चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। एथिकल डायलेमा का मीनिंग हम देखेंगे, एथिकल डायलेमा का मीनिंग देखेंगे। उसके बाद उसी में नंबर 2 आप लिखो एड्रेसिंग, एड्रेसिंग एथिकल डायलेमा, एड्रेसिंग एथिकल डायलेमा।
एड्रेसिंग द एथिकल डायलेमा वो देखेंगे। फिर उसमें नंबर थ्री, एड्रेसिंग द एथिकल डायलेमा के बाद नंबर थ्री आप लिखोगे केस स्टडीज इन एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा का कल केस स्टडी हमने डिस्कस किया था, जो फार्मा कंपनी का केस स्टडी था, जिसमें वो जो दवाई थी उस दवाई से एक सालों से चलती आ रही बच्चों की बीमारी दूर होने वाली थी, पर वो बीमारी 10 लाख बच्चों में एक बच्चे को होती थी। अब वो दवाई बनानी है कि नहीं बनानी, वो उस केस स्टडी का हमारा मेन क्वेश्चन था। हमने डिस्कशन किया था कि भैया एथिकल डायलेमा में एवरीथिंग इज राइट, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, दवाई बनाई तो भी सही है, दवाई नहीं बनाई तो भी सही है। कैसे? आपको डिसीजन लेते वक्त ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल एथिकल वैल्यूज एंड गोल्स, इनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होता है। तो अगर वो फार्मा कंपनी अगर एक प्राइवेट कंपनी थी होती तो ऐसे केस में वो दवाई नहीं बनाते, बिकॉज एज कंपेयर टू द प्रॉफिट्स वो जो इन्वेस्टमेंट था काफी यूज था, तो दवाई नहीं बनाने का फैसला सही होता। अगर वो फार्मा कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी होती तो उस केस में प्रॉफिट देखा नहीं जाता, पब्लिक वेलफेयर देखा जाता, तो दवाई बनाते। अगर वो फार्मा कंपनी भले ही प्राइवेट कंपनी है, बट उस फार्मा कंपनी का जो चेयरमैन है, उस चेयरमैन के बच्चे की डेथ उस बीमारी से हुई थी, तो उस चेयरमैन ने उस केस में भले ही अपने पर्सनल गोल जो था उसका कि फिर से किसी और का बच्चा इस बीमारी से उसका डेथ नहीं होना चाहिए, तो पर्सनल गोल के साथ कॉम्पेटिबल था, इसलिए उसने दवाई बनाने का फैसला लिया, ये भी सही है। तो हमने जो तीन डिसीजन देखे तीनों सही हो सकते हैं। एथिकल डायलेमा में कोई डिसीजन गलत नहीं होता है, ध्यान रखना। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, एथिकल डायलेमा में जो आप डिसीजन लेते हो, आपको वो डिसीजन जो लिया है उस डिसीजन को आपको सही साबित करने के लिए कोशिश और प्रयत्न करना पड़ता है, बिकॉज एथिकल डायलेमा इज चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। उत्कर्ष, कुछ याद आ रहा है क्या कल का हमारा एग्जाम्पल? कोई डिसीजन गलत नहीं होता है, जो डिसीजन आप लेते हो उस डिसीजन को सही साबित करना आपके हाथ में है। कल का हमारा एग्जाम्पल जिसमें उत्कर्ष ने चार लड़कियां देखी थी शादी के लिए, एक सीए, एक सीएस, एक लॉयर और एक डॉक्टर, भैया वो किसी भी लड़की का शादी करने का फैसला कर ले, अब आगे शादी होने के बाद वो फैसला सही है उसे साबित करने के लिए सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे, अरे यस और नो? तो केस स्टडीज इन एथिकल डायलेमा कल के सेशन में हम डिस्कस किया था। देन पॉइंट नंबर फोर एथिकल डायलेमा में लिखना स्टेप्स टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमा। हमारे एथिकल डायलेमा के कंसेप्ट में जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आप देखना एथिकल डायलेमा को कितना डिटेल में पढ़ रहे, मीनिंग एड्रेसिंग एथिकल डायलेमा, केस स्टडीज इन एथिकल डायलेमा, स्टेप्स टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमा। ये पॉइंट नंबर सेवन एथिकल डायलेमा का होने के बाद पॉइंट नंबर एट आप लोग लिखोगे आपके नोट्स में, पॉइंट नंबर एट वहां पर पॉइंट नंबर एट आएगा कोड ऑफ एथिक्स। ध्यान रखना ये कोड ऑफ एथिक्स की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वैल्यूज प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं वो कोड ऑफ एथिक्स है। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉई उसे फॉलो करे। देन पॉइंट नंबर फाइव सॉरी एट के बाद पॉइंट नंबर नाइन हम लिखेंगे इंडियन एथॉस। भाई ये जो एथिक्स की हम बात करते ना, इस एथिक्स का इंडिया के जो पुराने हमारे पंचतंत्र जैसे महाभारत रामायण उनके साथ इस एथिक्स का क्या रोल है, कैसे महाभारत में और रामायण में एथिक्स छुपा हुआ है, कैसे एथिक्स का महत्व हमारे भगवद गीता से, कैसे एथिक्स का महत्व हमें महाभारत रामायण से पता चलता है, ये हम इंडियन एथॉस के अंदर देखेंगे जहां पर हम स्वधर्म की बात करते हैं। एथिक्स जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है उसका डिस्कशन वहां पे होगा। देन पॉइंट नंबर 10 कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में होगा। कोई मुझे यहां पर बताएगा सर आपने पॉइंट नंबर 8 में कोड ऑफ एथिक्स लिखा है, पॉइंट नंबर 10 में कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है, दोनों में क्या फर्क है? मैंने कोड ऑफ एथिक्स में आपको बताया था इट टॉक्स अबाउट द वैल्यूज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट कोई बोलेगा?
पॉइंट नंबर 9 साक्षी इंडियन एथोस है, ये यूट्यूब पर है, तुम उसे रिवर्स करके बाद में देख सकते हो। इंडियन एथोस में कंसेप्ट समझा नहीं रहा हूं, हम सिनॉप्सिस लिख रहे हैं। साक्षी यू आर राइटिंग द सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर। मैंने इंडियन एथोस में सिर्फ आपको यह बताया कि महाभारत रामायण उसमें जो एथिक्स को लेकर डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशन क्या था, हाउ एथिक्स इज रिलेटेड टू आवर इंडियन कल्चर, वो हम इंडियन एथोस में देखने वाले हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोई बता रहा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ओके कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड कोड ऑफ एथिक्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है, करेक्ट। कोड ऑफ एथिक्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो कोई बताएगा कि दोनों में क्या फर्क है, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या फर्क होना चाहिए? ऐसे तो सिमिलैरिटीज भी है डिफरेंस भी है। एक डिफरेंस जो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में, आप कहोगे सर ये डिफरेंस बहुत अहम है दोनों में, कोड ऑफ एथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट में, रूल्स टू बी फॉलोड बाय इंडिविजुअल्स, आहिल बोल रहा है ना बेटा। कोड ऑफ एथिक्स में और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान सुनना, मैं जस्ट बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही हो, मैं जो बोल रहा हूं आपका थॉट प्रोसेस क्या ग्रो होने के लिए पूछ रहा हूं। कोड ऑफ एथिक्स में हम डिस्कस करते हैं, सुन लो प्लीज, अब बोलो मत प्लीज, नो डोंट वन कमेंट, मैं पढ़ूंगा नहीं अभी आपकी कमेंट, सिर्फ सुनो। कोड ऑफ एथिक्स में हम कहते हैं जो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर एक ने फॉलो करने चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स में फॉलो करना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन होता है। फॉलो नहीं किया कोड ऑफ एथिक्स तो वो पनिशेबल नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं किया तो पनिशेबल नहीं, बिकॉज एथिक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन ने जो वैल्यूज प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए वो हर एक व्यक्ति फॉलो करे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का इच्छा है, इंटेंशन है। कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लायंस ना होने पर कोई पनिशमेंट नहीं है, बट कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो अगर फॉलो नहीं किए तो उसके लिए पनिशमेंट है। तो हम कहेंगे नॉन कंप्लायंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट पनिशेबल, बट नॉन कंप्लायंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज पनिशेबल। एक और चीज हम कहेंगे, कोड ऑफ एथिक्स सबके लिए है, राइट फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, सबको वो एथिकल वैल्यूज फॉलो करने, बट कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस खास करके वो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं ना उन्हें फॉलो करने, अगर वो फॉलो करेंगे अपने आप बाकी सब फॉलो करेंगे। जनरली कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर होता है, ध्यान रखना। ये अगेन डिस्कशन है, हम चैप्टर का सिनॉप्सिस देख रहे हैं, हम लोग जब इस कंसेप्ट में आएंगे इस चैप्टर के तो वहां पर डिटेल में हर एक पॉइंट लिखने वाले हैं, डोंट वरी एट ऑल। मैं चैप्टर कोई एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ चैप्टर का सिनॉप्सिस देख रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। पॉइंट नंबर 10 के बाद पॉइंट नंबर 11 के अंदर आते हैं। पॉइंट नंबर 11 जो आएगा वो आपका वही आएगा, कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके इनर सेल में सब क्लॉज ए लिखो सिमिलैरिटीज, और बी में लिखो डिफरेंसेस। ए में हुआ सिमिलैरिटीज, बी में हुआ डिफरेंसेस, कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट का सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस। उसके बाद पॉइंट नंबर 12, आपका जो नॉलेज है जो आप भर भर के लिख रहे हो, उत्कर्ष झील रिद्धि जिज्ञासा सचिन आहिल, मैं बहुत खुश हूं, ऐसे स्टूडेंट अगर मुझे मिल जाए ना पूरे प्रोफेशनल के बैच के दौरान, मैं आपको लिख कर देता हूं, वी विल क्रैक इन द एग्जाम्स विथ सच वंडरफुल मार्क्स कि आप बोलोगे सर मजा आ गया। ऐसा जोश ऐसा एंथुजियाज्म एंड तक बरकरार रखो, आप बोलोगे सर मजा आ गया। कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट सिमिलरिटीज डिफरेंसेस। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 आपका आएगा मॉडल। मॉडल तो सबको पता होता है, यू नो मॉडल, हम बोलते हैं ना क्या मॉडल है, मॉडल मतलब गाड़ी का मॉडल रे, तो मॉडल कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट्स एंड एथिक्स, मतलब क्या जो बिजनेस का कंडक्ट है और जो बिजनेस एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है उसका मॉडल, मतलब आइडल यहां पे आदर्श, आदर्श कोड ऑफ कंडक्ट और आदर्श कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये आदर्श मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, फॉलो हो भाई।
हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करे। देन पॉइंट नंबर थ्री में हम कहेंगे एडवांटेजेस। सचिन का स्माइल देखो, आंखों से आंसू आ गए सचिन के। एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। भाई पॉइंट नंबर 13 में एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं चैप्टर का डिस्कशन एंड होता है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट फोर एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी का, जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एथिक्स एंड बिजनेस, उस एथिक्स एंड बिजनेस में हमें टोटल कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? 13 पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये 13 पॉइंट्स के हमने आंसर और नोट्स बना लिए। एग्जाम में कोई भी सवाल आना है इन 13 पॉइंट्स के बाहर नहीं आएगा, इसलिए मैं सिनॉप्सिस देता हूं। मेरा सिनॉप्सिस देने के पीछे हर चैप्टर का मेन पर्पस होता है कि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो मैं आपको लिख कर देने वाला हूं, अब इन 13 पॉइंट्स पर लिख कर देने वाला हूं। आपको थॉट प्रोसेस क्लियर है? सबको अगर समझा है तो एक बार सब लोग जय माता दी बोल दो। जय एम डी, जय माता दी। तो हम हमारा पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग जय माता दी बोल दो। जय एम डी, जय माता दी। ओके, तो हमारे सिनॉप्सिस के तहत अब हम अभी तक जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने समझा है एथिक्स को लेकर, बिजनेस एथिक्स को लेकर, नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स को लेकर जो भी हमने लिखा है समझा है, वो बोनस था। अब हम अभी से जो लिखना स्टार्ट करेंगे वो हमारा एथिक्स और बिजनेस चैप्टर का डिस्कशन होगा। एथिक्स और बिजनेस चैप्टर का डिस्कशन होगा जो हम इन 13 पॉइंट्स को लिखेंगे। डेफिनेटली इसमें जब फर्स्ट पॉइंट वहां पर मीनिंग में दिया है, मीनिंग ऑफ एथिक्स, ऑलरेडी हम एथिक्स के बारे में जो लिख चुके, जो समझ चुके, वही मैं आपको बता रहा हूं, लिख रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एथिक्स पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। ध्यान रखना आज के सेशन में, अभी क्योंकि समय अभी कम है, वी स्टार्टेड अ लिटिल लेट, अभी हम एथिक्स के बारे में देखेंगे, हम एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के बारे में देखेंगे और उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, और फिर मैं आपको ICSI के मॉड्यूल से बताऊंगा कि कैसे हमने मॉड्यूल के उस पूरे डिस्कशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए हैं। अभी हम मॉड्यूल नहीं रेफर करेंगे, अभी जो मैं लिख कर दे रहा हूं हम उस पर फोकस करेंगे और बाद में हम मॉड्यूल में जाएंगे। आप बोलोगे सर धत तेरी की, आपने तो पूरा की पूरा मॉड्यूल ही सिंक्रोनाइज कर दिया बहुत सिंपल वे में। हम देखेंगे, लेट स्टार्ट। मीनिंग ऑफ एथिक्स, तो हमने जो डिस्कस किया है, एक बार सब लोग बोलो जरा एथिक्स क्या है इन वन लाइन। तीन अल्फाबेट्स में आप मुझे बोल सकते हो एथिक्स क्या है? तीन अल्फाबेट्स में आप मुझे बोल सकते हो एथिक्स क्या है? है क्या कोई माइकल लाल जो कमेंट करे एथिक्स क्या है? क्या बात है आहिल, ये बच्चा कुछ तो करके दिखाएगा, ये बच्चा जरूर कुछ करके दिखाएगा। आहिल ऑलवेज ऑन अलर्ट, आहिल वेरी हैप्पी बेटा फॉर यू। यस सचिन भरद्वाज कोई पीछे नहीं है। रिद्धि निधि झील मां कसम क्या जोश है। तो एथिक्स हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट एथिक्स का पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। अभी जो मैं लिख के दे रहा हूं ध्यान रखना, आज के बाद एथिक्स को लेकर कुछ भी लिखना है तो जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना है आपको एग्जाम में। पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है मतलब क्या? हम कहते हैं एथिक्स इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। ध्यान रखना मॉरल्स अलग है और मॉरल प्रिंसिपल्स अलग है। मॉरल प्रिंसिपल रूल्स एंड कंडक्ट। सॉरी यू कांट सी द बोर्ड, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी। सॉरी कुछ तो हुआ है, वाई यू आर नॉट एबल टू सी द बोर्ड? Let me cross check. यार स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा? ये स्क्रीन क्यों दिख रहा? Just a minute.
तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ था, ऐसा क्यों हो रहा है? Why? Sorry, 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 दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मेरे हिसाब से अब दिखना चाहिए, अब दिखना चाहिए. दिख रहा है, दिख रहा है साक्षी बेटा, तुम्हारे इस टैलेंट को मैं क्या नाम दूं? चिरंजीवी तू गलत प्रोफेशन में है, चिरंजीवी तू गलत प्रोफेशन में है. चिरंजीवी एक्चुअली आईटी इंजीनियर होना चाहिए था. आप सब लोग ऑब्जर्व करना, ये जो चिरंजीवी है ना, ये बड़ा स्मार्ट बंदा है. कोई भी लेक्चर हो, कोई भी लेक्चर हो, मैंने ऑब्जर्व किया, कोई भी लेक्चर हो, वो बहुत अलर्ट रहता है, अटेंटिव रहता है और बड़ा स्मार्ट वे में रिप्लाई करता है. ये चिरंजीवी एक्चुअली सिर्फ सीएस बनने के लायक नहीं है, ये कलेक्टर होना चाहिए, ये एमबीबीएस भी होना चाहिए, ये सीए भी होना चाहिए, ये लॉयर भी होना चाहिए, ये जज भी होना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट भी होना चाहिए. चिरंजीवी क्या नाम दूं भाई तेरे को? चिरंजीवी, जय हो चिरंजीवी बाबा की. तो भाई मैंने जो लिखा है, यस 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 यस, तो मैंने जो लिखा है उस डिस्कशन को लेकर, हम लोग कहते हैं कि मीनिंग ऑफ एथिक्स में, एथिक्स पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, देन एथिक्स हम कहते हैं सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड कंडक्ट है. ना दुर्वेश ना, ऑलराउंडर मत बोलो. ऑलराउंडर बोलोगे तो कुछ और हो जाएगा. ऑलराउंडर का मतलब दुर्वेश कुछ और भी होता है. हम कहते ना तू तो ऑलराउंडर निकला भाई, ऑलराउंडर में कुछ और भी निकलता है. चिरंजीवी एक्टर होना चाहिए, यस वो तो ऑलरेडी है. तो इट इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. विसल ब्लोअर एंड चिरंजीवी इज फ्राइडे मैन. ये सुशील तेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा परिणाम हुआ है क्या? मॉरल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड कंडक्ट. एथिक्स एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, रूल्स एंड कंडक्ट. देन नंबर सी, हम कहते हैं डिराइड फ्रॉम, एथिक्स इज डिराइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड एथॉस, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स कैरेक्टर, विच मीन्स कैरेक्टर. देन हम कहते हैं अगर ये सब कुछ एथिक्स है, हम कहते हैं एथिक्स इज मोर इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब क्या, इनबिल्ट, आपके अंदर जो भरा हुआ है. इंट्रिंसिक एंड डिफाइंस, एंड डिफाइंस राइट, एंड डिफाइंस राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. ध्यान रखना एथिक्स मोर इंट्रिंसिक है, एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड कंडक्ट है. एथिक्स ग्रीक वर्ड एथोस से बना है जिसका मतलब कैरेक्टर है. एथिक्स मोर इंट्रिंसिक है, डिफाइंस राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स है. बट मैं अगेन कहूंगा एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मॉरल्स, एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मॉरल्स. मॉरल्स कस्टम है, ट्रेडिशन है, परंपरा है जो सालों से चलता आ रहा था. मॉरल्स अलग है, मॉरल प्रिंसिपल्स अलग है. ध्यान रखना मॉरल्स कभी चेंज नहीं होते. हजारों साल पहले जो मॉरल्स थे, हजारों साल बाद भी वही मॉरल्स होने वाले और आज भी वही मॉरल्स है. व्हाट आर द मॉरल्स? झूठ मत बोलो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, चोरी मत करो. ये मॉरल्स है जो हमें सोसाइटी ने सिखाए, समाज ने, रिलीजन से हमें मिले हैं. हमारे धर्म में, कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, वो धर्म आपको यही मॉरल्स सिखाएंगे. बट एथिक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन,
फॉर द सेम पर्सन एथिक्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो एथिक्स में और मॉरल्स में फर्क है. हाँ, मॉरल प्रिंसिपल्स रूल्स एंड कंडक्ट जो एक व्यक्ति अपने लिए अपने लाइफ स्टाइल के लिए अपने लिए फॉलो करेगा वो उसके एथिक्स है. अरे सब लोग है ना भाई, तो इसलिए हम कहते हैं एथिक्स इज मोर इंट्रिंसिक. जो हमें सही लगे वो एथिक्स है और वो हमारे कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स को बताएगा. एथिक्स इज मोर इंट्रिंसिक्स एंड डिफाइंस राइट एंड कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. तो अब आज के बाद एथिक्स को लेकर ये चार पॉइंट्स सबको क्लियर है. जब मैं एथिक्स के चार पॉइंट्स देखता हूं, एथिक्स का मीनिंग देखता हूं, तो अगला पॉइंट दिमाग में जो आता है पॉइंट नंबर टू, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. भैया बिजनेस एथिक्स के क्या फीचर्स है? तो हम कहते हैं एथिक्स या बिजनेस एथिक्स के फीचर्स में हम कहते हैं नंबर वन, एथिक्स इज यूनिवर्सल. सॉरी, एथिक्स हम लिखेंगे, एथिक्स हैज नो बाउंड्रीज. मतलब क्या? व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल, ये हम डिमार्केट नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते, बिकॉज जो आपके लिए एथिकल होगा मेरे लिए कुछ और होगा. थैंक यू चिरंजीवी भाई, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर किसका भाग्य खुल गया. एथिक्स हैज नो बाउंड्रीज. नंबर टू हम कहेंगे एथिक्स एंड लीगैलिटी ऑफ एक्शन डिफर्स. मतलब क्या? मैं लिखूंगा व्हाट इज अनएथिकल नीड नॉट बी इलीगल एंड वाइस वर्सा. भैया जो अनएथिकल है वो इलीगल नहीं है. व्हाट इज अनएथिकल नीड नॉट बी इलीगल. मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, एथिक्स एंड लीगलिटी ऑफ एक्शन डिफर्स. व्हाट इज अनएथिकल नीड नॉट बी इलीगल. इसका एग्जांपल दे रहा हूं, यू अंडरस्टैंड बेटर. मान लो चिरंजीवी का एग्जांपल लेते, चिरंजीवी यहां पर रास्ते से अपनी टू व्हीलर पर जा रहा है. ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं व्हाट इज अनएथिकल नीड नॉट बी इलीगल, ये आपको बता रहा हूं. एंड वाइस से वर्सा, मतलब व्हाट इज क्या इलीगल नीड नॉट बी अनएथिकल. What is illegal need not be unethical. But अभी मैं आपको जो example दे रहा हूं, what is unethical need not be illegal. चिरंजीवी अपने बाइक पर रास्ते से जा रहा है और चिरंजीवी के आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हो गया. चिरंजीवी अपने एग्जाम के लिए जा रहा है, ICSI के प्रोफेशनल के एग्जाम के लिए जा रहा है. पेपर है उसका 2 बजे, घर से निकला है 1 बजे, उसे एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है 1:30 बजे. अब जब वो घर से निकला, रास्ते में उसके आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, इस तरह के हालात है. चिरंजीवी अपनी बाइक रोकता है, देखता है बंदा काफी घायल हो गया है, बट चिरंजीवी को 1:30 बजे तक सेंटर पहुंचना है वरना उसका पेपर चला जाएगा. अब ऐसे केस में अगर हम मॉरल प्रिंसिपल्स वैल्यूज की बात करें तो एक व्यक्ति की ड्यूटी है वो दूसरे व्यक्ति की मदद करे. चिरंजीवी का कंडक्ट, चिरंजीवी का बिहेवियर यहां पर होना चाहिए, उसकी मदद करना है. बट चिरंजीवी अगर उसकी मदद करेगा तो हो सकता है पेपर स्किप हो जाएगा, तो उसका करियर स्टेक पे आ जाएगा. चिरंजीवी वहां पर गाड़ी रोकता है और जब देखता है वो बुरी तरह से घायल है, उसी वक्त वो देखता है कुछ 2-4 लोग आए, उन्होंने उस घायल बंदे को उठाया, तो उसे लगा कि अब इसे कोई तो हॉस्पिटल लेके जाएगा और वो खुद रुका नहीं, वो आगे पेपर के लिए चला गया. अब चिरंजीवी का ये जो एक्ट है, चिरंजीवी का ये एक्ट है, किसी की नजर में ये एथिकल होगा, किसी की नजर में ये अनएथिकल होगा. तो एथिक्स में देयर इज नो बाउंड्रीज. जो आपके लिए एथिकल है वो किसी के लिए अनएथिकल होगा. चिरंजीवी का एक्ट एथिकल या अनएथिकल कुछ भी हो सकता है, बट वो कहते हैं चिरंजीवी का ये एक्ट भले ही किसी की नजर में अनएथिकल होगा, वो इलीगल नहीं है. वो इलीगल नहीं है बिकॉज चिरंजीवी ने जो किया है वो इलीगल काम नहीं किया. चिरंजीवी ने जो किया है वो इलीगल काम नहीं किया, भले वो अनएथिकल है बट इलीगल नहीं है. हम कहते हैं एथिक्स और लीगल लीगलिटी ऑफ एक्शन दोनों में फर्क है. ये एथिक्स का सेकेंड फीचर है. अगर समझा है तो एक थम्सअप कर दो.
मेरा एग्जाम्पल क्लियर है तो एक थम्सअप कर दो। एथिक्स का और एक फीचर जो हम कहते हैं डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फॉर द सेम पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका फीचर नंबर थ्री, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फॉर द सेम पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एथिक्स का हम फीचर्स देख रहे हैं, बिजनेस में एथिक्स के फीचर्स देख रहे हैं। देन पॉइंट नंबर फोर, हम कहेंगे एथिक्स इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। इज नॉट यूनिवर्सल नेचर, हर बिजनेस के एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स चेंज होते जाएंगे, हर बिजनेस के एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बदलते जाएंगे। तो एथिक्स इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, ये अगर हम एथिक्स को लेकर कहते हैं तो उसका कंक्लूजन ये आएगा। आप लिखना, दस एथिक्स रिलेट्स टू स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल जजमेंट्स, एंड मॉरल जजमेंट्स इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट द क्रिएशन ऑफ माइंड, द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। भैया एथिक्स एक इंसान के दिमाग से क्रिएट होता है, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस। बताता उत्कर्ष, डोंट वरी, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है। ये एथिक्स को लेकर कंक्लूजन है। एथिक्स रिलेट्स टू स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल जजमेंट्स। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट और मॉरल जजमेंट कौन डिसाइड कर रहा है? ह्यूमन माइंड डिसाइड कर रहा है। ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है, इट इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। यहां पर हमारा एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के फीचर्स को लेकर डिस्कशन हो गया। यहां पर ऊपर जो मैंने लिख कर दिया था एथिक्स एंड लीगलिटी ऑफ एक्शन डिफर्स, उसमें लिख कर दिया था वॉट इज अनएथिकल नीड नॉट बी इलीगल एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब क्या? वॉट इज इलीगल नीड नॉट बी अनएथिकल, वॉट इज इलीगल नीड नॉट बी अनएथिकल। ये भी एग्जाम्पल दिया था, वॉट इज इलीगल नीड नॉट बी अनएथिकल। मैं बताऊंगा उसका एग्जाम्पल, डोंट वरी, मैं उसका एग्जाम्पल बताऊंगा उत्कर्ष। पहले ये पॉइंट अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं इस डिस्कशन में आता हूं, वॉट इज इलीगल नीड नॉट बी अनएथिकल, ये वाइस वर्सा पॉइंट। अभी तक का डिस्कशन एथिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्लियर है तो मैं उस डिस्कशन पे आता हूं। भैया आप लोग फेस टू फेस नहीं हो तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे आगे जाना है कि नहीं जाना है। जब मैं कह रहा हूं ये डिस्कशन कंप्लीट है, आपको बोलना है ए ए बी, आप आगे बढ़ो। क्या बोला है? आप आगे बढ़ो, ए ए बी। तो मैं अगले डिस्कशन में आता हूं, ए ए बी, आप आगे बढ़ो। ओके, तो भाई जब यहां पर लिखा है उत्कर्ष वाइसे वर्सा मतलब क्या? वॉट इज इलीगल नीड नॉट बी अनएथिकल। एग्जाम्पल दे रहा उत्कर्ष, किलिंग एनिमल्स फॉर प्लीजिंग गॉड। ध्यान रखना, एनिमल्स को मारना उत्कर्ष, एनिमल्स को मारना इलीगल है, बट ये इलीगल भले ही है कुछ लोगों के नजर में, भगवान के सामने जब वो किसी बकरी का आहुति देते हैं, उसको मारते हैं, तो वो समझते हैं भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान को खुश करने के लिए
बकरी को मारना या बकरी को काटना, ये एनिमल्स को वो लोग अनएथिकल नहीं मानते। कुछ लोग इसे अनएथिकल नहीं मानते बिकॉज उनका वो उनका मानना है कि ये सही है। हालांकि कुछ लोगों के नजर में वो गलत होगा, कुछ लोगों में सही होगा, बट किलिंग एनिमल्स भले ही इल्लीगल है वो कुछ लोगों के नजर में अनएथिकल नहीं है। सो हम कहते हैं व्हाट इज इल्लीगल नीड नॉट बी अनएथिकल। बोलो उत्कर्ष, समझा क्या? मैंने दूसरा एग्जांपल वाइस वर्सा का दिया है, व्हाट इज अनएथिकल व्हाट इज इल्लीगल नीड नॉट बी अनएथिकल। उत्कर्ष, तुमने जो पॉइंट रेज किया था बोलो भाई। उत्कर्ष दादा, यस सर। तो दोस्तों एथिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, भूलो मत हमने पॉइंट नंबर वन मीनिंग ऑफ एथिक्स लिखा था। मीनिंग ऑफ एथिक्स के साथ साथ हमने बिजनेस एथिक्स का मीनिंग लिखा था। अब बिजनेस एथिक्स में आगे बढ़ रहे, पॉइंट नंबर टू आप हेडिंग दो बिजनेस एथिक्स। हमने फीचर्स ऑफ एथिक्स मतलब बिजनेस एथिक्स एथिक्स देखा था, बिजनेस एथिक्स का मीनिंग लिखो। बिजनेस एथिक्स में लिखना आप सब लोग एप्लीकेशन ऑफ, लास्ट पॉइंट होगा आज का, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, इसके लिख के दे रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एथिकल ऑब्लिक मॉरल, सिनॉप्सिस में डिस्कस किया है, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एथिकल ऑब्लिक मॉरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस, अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस इन अ बिजनेस एनवायरमेंट, इन अ बिजनेस एनवायरमेंट इज बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है? जो आपके वेरियस एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स है, जब आप बिजनेस के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में उन मॉरल प्रिंसिपल्स एथिकल प्रिंसिपल्स को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो उसे हम कहेंगे आप बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हो। मतलब आप एथिक्स अगर पर्सनली रिलेटेड है तो एज अ पर्सन जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स है, जो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स है, वही एथिकल प्रिंसिपल मॉरल प्रिंसिपल्स जब आप आपके बिजनेस में अप्लाई करोगे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, तो हम ये कह सकते हैं कि आप बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हो। वरना अगर आपने आपके पर्सनल एथिकल प्रिंसिपल्स को बिजनेस में अडॉप्ट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो हम कहेंगे आप बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हो। अब कौन से एरियाज है तुम लिखते हैं, एरियाज वेयर एथिक्स इज अप्लाइड इन बिजनेस। मैंने कल आपको बताया था कितने एरियाज है, कमेंट करके बोलो कितने एरियाज में बिजनेस के वो कौन से एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए थे जहां पर हम एथिक्स अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू कमेंट टेल मी द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने एरियाज है जहां पर एथिक्स को अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस में। कल मैंने आपको बताया था हाउ मेनी एरियाज हमने सिनॉप्सिस में लिखे। यस अहिल यू राइट, 4 एरियाज यू आर करेक्ट। रिद्धि सुशील यू राइट बेटा, 4 एरियाज। पहला एरियाज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज वन एस्पेक्ट जहां पर हम एथिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अनदर एरिया जहां पर हम एथिक्स को अप्लाई करते हैं या कर सकते हैं। थर्ड सेल्स एंड मार्केटिंग इज द एरिया इन बिजनेस जहां पर हम एथिक्स को यूज करते हैं या कर सकते हैं। एंड लास्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट। निखिल 2 नहीं 4 है, कंप्लायंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस मैनेजमेंट इज द अनदर एस्पेक्ट और एरिया जहां पर हम एथिक्स को अप्लाई करेंगे। दोस्तों मैंने आपको अभी ये 4 एरियाज के बारे में लिख कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस अकाउंटिंग, सेल्स मार्केटिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट। इन चारों एरियाज के बारे में एंड कैसे बिजनेस एथिक्स आज के जमाने में, इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज बिजनेसेस कैसे बिजनेस एथिक्स के अंदर बदलाव आने की जरूरत है, इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे।
बिकॉज टुडे वी स्टार्टेड अ बिट लेट ड्यू टू दैट ऐप इश्यूज. हम कोशिश करेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए. आज के डिस्कशन में मैंने आपको ये मीनिंग ऑफ एथिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स और बिजनेस का डेफिनेशन ये लिख कर दिया एंड एरियाज वेयर एथिक्स इज अप्लाइड इन बिजनेस ये लिख कर दिया. हमने पूरा चैप्टर का सिनॉप्सिस लिख लिया है जो 13 पॉइंट्स है जो हमें एथिक्स एंड बिजनेस चैप्टर में पढ़ने हैं. मैं जब वो 13 पॉइंट्स कंप्लीट करूंगा आपको अभी तक के पेपर्स जो आए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. यू विल से सर आपने कहा था एकदम राइट है, जो भी हमने पॉइंट्स लिखे उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. और ध्यान रखना जैसे हमारा कल ये पार्ट कंप्लीट होता है आपको ICSI का ये जो मॉड्यूल है जो आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूं, ICSI का मॉड्यूल जो है, देखो ये मॉड्यूल है ICSI का, इस मॉड्यूल के अंदर हमने अभी के सेशन में मॉड्यूल को ही सिंक्रोनाइज किया है. लेट मी शो यू मॉड्यूल के अंदर. देखो आपको ऐसा भी नहीं कि हम राह भटक रहे, किसी को लगा सर राह भटक रहे, नहीं, मेरा पूरा डिस्कशन मॉड्यूल के बेस पर होगा और उसको लेकर मैं आपका होराइजन इतना वाइड कर दूंगा. आज के डिस्कशन में मैंने आपसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, मैंने व्हाट इज एथिक्स आपको बता दिया. अगर आप देखोगे तो मैंने वहां पर कवर कर लिया सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, मैंने एथिकॉस कवर कर लिया, कैरेक्टर कवर कर लिया, मैंने आपको राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कवर कर लिया, मैंने बिजनेस एथिक्स कवर कर लिया, स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटीज डिस्कस किया और एरियाज में फाइनेंस अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग जो दिया है वो डिस्कस कर लिया. उसके अलावा मैंने आपसे एक्स्ट्रा कंप्लायंस मैनेजमेंट एक एस्पेक्ट बताया. तो ये आपके मॉड्यूल के अंदर जो दिया है अब देखना, जो इतना भर भर के सब दिया है उसको मैंने एकदम सिंप्लीफाइड वे में दिया है. इंट्रिंसिक है वो भी बता दिया. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. मैं अगेन कह रहा हूं साक्षी बेटा कुछ नहीं था स्टार्टिंग नोट्स में. बेटा क्या था रे बेटा स्टार्टिंग नोट्स में, ये था मैंने आपको सिनॉप्सिस लिख कर दिया था. सिनॉप्सिस में बेटा वो तो मैंने ओरली डिस्कस किया था कल, हमने जहां पर एथिकल डायलेमा रोका था बेटा, एथिकल डायलेमा के पॉइंट्स अभी ये स्टार्टिंग नोट्स में है. मीनिंग, एड्रेसिंग, केस स्टडीज, स्टेप्स ये लिखे थे. उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स के वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मीनिंग है, इंडियन एथॉस के बारे में लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा है, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में लिखा है वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट, सिमिलरिटीज डिफरेंसेस देखने, मॉडल कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स, मॉडल मतलब आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट देखना है, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है वो देखना है. ऐसे 13 पॉइंट्स हमारे सिनॉप्सिस में थे. इज इट क्लियर साक्षी? ये तुम पॉज करके भी यूट्यूब पर बाद में आराम से लिख सकती हो इस सिनॉप्सिस. फिर उसके बाद तो हमने यहां से डिस्कशन एथिक्स का मीनिंग वगैरह सब देखा था. आई होप यू कैन डू इट नाउ, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखा दिया. तो आज का डिस्कशन यहां पे रुकते, कल हम एग्जैक्टली 6 बजे स्टार्ट करेंगे शार्प. कोशिश करेंगे ऐप से ही पढ़ने की. आज में जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व करके कल फटाफट ऐप में आएंगे. बाय चांस अगर ऐप में किसी दिन नहीं आ पाता है 5-10 मिनट में तो तुरंत यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाने का, यूट्यूब पर हम आ जाएंगे. कल से मैं आपको लिंक हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा. अगर ऐप में पॉसिबल नहीं हुआ तो हम यूट्यूब पब्लिक में नहीं आएंगे, यूट्यूब अनलिस्टेड में आएंगे. इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल. बाय बाय करो, टाटा बाय बाय करो. हम एग्जैक्टली 8 मिनट में, 7:12 हुए, 8 मिनट में RCD का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. RCD एग्जैक्टली नेक्स्ट 8 मिनट्स विल स्टार्ट द डिस्कशन. नेक्स्ट 8 मिनट्स. टाटा बाय बाय.